ये है अमरनाथ यात्रा के लिए। क्या हाल चाल है दोस्तों आपके, श्रीनगर से फिर से मन की तरफ से आपको गुड मॉर्निंग। इस गुड मॉर्निंग का मेजर जो पॉइंट रहेगा वो हमारा रहेगा आज का सोनमर्ग। हो सकता है आपको बर्फ भी देखने को मिले। तो आज हमारा जो बेसिकली प्लान है वो क्या है कि आज हम यहाँ से निकलेंगे और हम निकलेंगे आप सोनमर्ग की तरफ। सोनमर्ग जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे, एक्टिविटी वगैरह करेंगे और आपको भी दिखाएंगे कि सोनमर्ग में क्या क्या एक्टिविटी आप कर सकते हैं, क्या क्या प्राइसिंग रहेगी और कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हम ऑन द वे या सोनमर्ग में जाके करेंगे। फुल मोटिवेटेड है, फुल एक्टिवेटेड है, फुल एनर्जेटिक है। और आप देख रहे होंगे मैंने पूरे ट्रिप पे है ना फुल स्लीव की क्लोथिंग नहीं करी थी, अब मैंने फुल स्लीव की क्लोथिंग कर ली है। क्या है कि रीज़न, अगर हम सोनमर्ग में जाएंगे अगर वहाँ पर बर्फ मिलेगी तो उसकी बात है ठंड भी लगेगी, तो ठंड ना लगे इस वजह से हमने पहन लिए हैं फुल स्लीव की क्लोथ। अब हमारा मेजर क्या है कि अब बज रहे हैं सुबह के 7, होटल से अब बस चेकआउट कर रहे हैं। चेकआउट करने के बाद सोनमर्ग जाएंगे, सोनमर्ग जाने के बाद आपको वहाँ पर चीज़ें दिखाएंगे। तो चलते हैं गाइस सोनमर्ग की तरफ। दोस्तों यहाँ से लेह 490, कारगिल 184, द्रास 117, बालतल 70 और सोनमर्ग हमारा 55 किलोमीटर है। और रास्ते में मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है और अगर मैं आपको अपने लेफ्ट की तरफ दिखाऊंगा तो आप देखेंगे पूरे बादल ही बादल हो रहे हैं पूरे पहाड़ पे और हो सकता है हमें आगे बारिश भी देखने को मिले। आज हम भी होटल से अर्ली इन द मॉर्निंग निकले थे तो हमने भी सोचा क्यों ना अब कहीं ब्रेकफास्ट पॉइंट पे रुका जाए। यहाँ पे दोस्त में आ गए हैं, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं। क्या है कि सुबह से कुछ खाया नहीं था, भूख लग रही थी। पीछे का व्यू आप देख रहे हैं कि कितना ऑसम, पूरे बादल ही बादल हो रखे हैं। तो आप कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे और आप यहाँ पे हम रुके हैं, बाकी आपको देखते हैं अभी आगे का ट्रैवल तो काफ़ी है। अभी यहाँ से मेरे हिसाब से सोनमर्ग 30-32 किलोमीटर का है डिस्टेंस, आपको दिखाएंगे वो भी रास्ता। और रास्ते काफ़ी अच्छे बना रखे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जब हम जैसे ही श्रीनगर टाउन से बाहर निकले रास्ते काफ़ी क्लीन बना रखे हैं और बहुत अच्छे। तो दोस्तों ब्रेकफास्ट तो हमने कर लिया है, ब्रेकफास्ट काफ़ी अच्छा था। मैंने लिए पोहे और इंदौरी स्टाइल में, जैसा हल्का सा मीठा होता है, राजस्थानी स्टाइल में क्या होता है कि काफ़ी अच्छे से स्पाइसेस डले होते हैं, तो इस टाइप का काफ़ी मिक्सचर पोहा था और काफ़ी अच्छा था, पराठे थे। रेस्टोरेंट का नाम है दिल्ली दरबार, आप भी यहाँ पे खा सकते हो। और काफ़ी अच्छा स्टॉपेज है, स्टॉपेज पॉइंट काफ़ी अच्छा है खाने के लिए, तो काफ़ी बढ़िया। तो अब चलते हैं आगे की ओर, सोनमर्ग का रास्ता हमारा वेट कर रहा है। हमारा सोनमर्ग अप्रोच, वेलकम टू सोनमर्ग गाइड। ये ब्रिज क्रॉस करते ही हम सोनमर्ग के अंदर आ गए हैं। दोस्तों हम सोनमर्ग में तो पहुंच चुके हैं, व्यू बहुत अल्टीमेट है, चारों तरफ पहाड़ की पहाड़। जूम करके दिखा सकता हूँ तो आप देख रहे हैं पूरा पहाड़ है जो स्नो के अंदर है, अभी तो बादल बादल हो रहे हैं। इसी टैक्सी स्टैंड से दो एक्टिविटी स्टार्ट होती है, एक जो यहाँ से जोजिला पास होते हुए जीरो पॉइंट तक जाती है जो आपको सूमो लेके जाएगी, जिसकी कॉस्टिंग आपको 1000 से 1500 रुपये पर पर्सन पड़ेगी। या फिर शूटिंग पॉइंट्स पे जा सकते हैं जहाँ पे बजरंगी भाईजान जैसी मूवीज़ की शूटिंग हुई है, जहाँ से लोग खच्चर से जाते हैं, जिसका कॉस्ट आपको 700 से 1000 रुपये पर पर्सन आएगा। दोस्तों बर्फ़ वाले पहाड़ों को आप मज़ा तो ले ही रहे हैं, अगर मैं अपने पीछे की बात करूँ तो यहाँ पे इतनी सुंदर वैलियाँ थी जिसके टाइम लैप्स मैंने अपने फ़ोन में कैप्चर किए, आप भी देखिए। आगे के लिए कुछ आपने यहाँ पे सुनो कर लिया भैया के साथ, तो अब आगे जा रहे हैं, आगे वाले पॉइंट देखेंगे, आगे जीरो पॉइंट तक जाएंगे, आपको दिखाएंगे क्या क्या है। जिस रोड से हम दोस्तों ट्रैवल कर रहे हैं अभी, इसे कहते हैं जोजिला पास, यही रास्ता आपका आगे कारगिल और आगे लेह की तरफ, लद्दाख लेह लद्दाख की तरफ जाता है। और नज़ारे बहुत ही अच्छे दिख रहे थे, वादियाँ ही वादियाँ दिखाई दे रही थी। और दोस्तों अभी जो आप आगे देखेंगे इसे कहते हैं ग्लेशियर, ऑलमोस्ट ग्लेशियर, पहाड़ों के बीच में बहुत ज़्यादा जब यहाँ पे बर्फ़ गिर जाती है तो यहाँ पे 25-25, 30-30, 40-40 फीट तक बर्फ़ हो जाती है। और इसी बर्फ़ का व्यू आप देखेंगे कि यहाँ से पानी कैसे बह बह के अंदर से पिघल पिघल के बाहर निकल रहा है और आगे नदियों में मिल रहा है।
तो दोस्तों हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच चुके हैं जिसे कहते हैं ज़ीरो पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे जब भी ज़ीरो टेम्परेचर होता है स्नो हाथों हाथ गिरनी स्टार्ट हो जाती है। और सामने भी आप देख रहे हैं एक बर्फ़ का ग्लेशियर है जिस पे एक्टिविटीज़ वगैरह हो रही हैं, उसके बारे में भी आपको बताता हूँ। वहाँ ऊपर से पानी गिर रहा है, स्नो माउंटेन्स हैं, जैसे ऊपर बादल वगैरह हो रहे हैं नीचे भी आप देख रहे हैं स्नो ही स्नो लगी हुई है और पूरे पहाड़ ही पहाड़। आपने टाइम लैप्स देखा वहाँ पे पूरा पहाड़ पे, अभी तो बादल वादल हो गए, वहाँ पे थोड़ा सा सन दिख रहा था। तो दोस्तों चलते हैं इस ग्लेशियर के ऊपर, देखते हैं कितना ऊपर तक जा सकते हैं और क्या क्या एक्टिविटीज़ यहाँ पे हो सकती हैं दोस्तों। और यहाँ पे एक्टिविटी के अंदर आप स्नो मोबाइल, जिसका पर पर्सन का कुछ देर का चार्ज आपका 300 से 400 रुपये है, और स्लेट स्केटिंग जिसका चार्ज आपका 100 से 150 रुपये तक का है, आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। प्लस में जो आप पॉइंट देख रहे हैं जहाँ से ये झरना आ रहा है, उसके बैक साइड में है बाबा बर्फानी अमरनाथ, जहाँ पे लोग यात्रा भोले बाबा की यात्रा करते हैं। तो उसके लिए भी आपको जगह दिखाऊंगा कि कहाँ से वो यात्रा स्टार्ट होती है। तो गाइस काफ़ी ऊपर चढ़ के आ गए थे, इतने ऊपर जाने की हिम्मत नहीं रही, तो हम क्या करते हैं अब यहाँ से वापसी की तरफ उतराई करते हैं। सॉरी, बड़े आराम से उतरना पड़ रहा है, देखिए बर्फ है, पैर कब स्लिप हो जाए और बंदा गिर जाए कुछ नहीं पता। इतनी ठंड में आने के बाद हमने सोचा क्यों ना उल्टा ट्राई किया जाए, पोल पर बना हुआ प्रॉपर तरीके से। यहाँ से निकलने से पहले आपको पहाड़ों का छोटा सा टाइम लैप्स दिखा के जाएंगे, तो देखिए। लोकेशन जीरो पॉइंट से निकलने के बाद हम थोड़ा आगे चले और आगे एक रॉक आया जिसे कहते हैं इंडिया गेट पॉइंट, आप भी देखिए। ये हमने बीच में एक छोटा सा स्टॉप लिया और वादियों के नज़ारे लेने लगे। वादियों के नज़ारे लेते लेते क्या शानदार, मन को मंत्रमुग्ध कर देने वाली वादियाँ हैं यहाँ। और यहाँ पे गोजिला टाइगर शिव टेंपल है यहाँ पे। तो अब यहाँ से निकलते हैं गाइस और आगे दिखाते हैं अमरनाथ यात्रा के पॉइंट। देखिए ये है अमरनाथ यात्रा के लिए बेस कैंप, यहीं पे आपकी सारी चेकिंग, आपकी आईडी कलेक्शंस, आपका रिपोर्ट्स, आपकी मेडिकल टेस्टिंग्स और आगे का जितना भी आईडीज वगैरह कलेक्शंस होता है वो यहीं से होता है। और ये जो आप जैसे अभी मैंने पीछे आपको दिखाया कि ये रास्ता है, ये आगे अमरनाथ को चला जाएगा यहाँ से बालटाल होते हुए बाबा बर्फानी की तरफ। इतनी सुंदर सुंदर वादियों का आनंद लेते हुए हम आगे चलते गए और दिल खुश होता गया जितनी बार इन वादियों को देखते गए। ये जो विलेज है ये लास्ट विलेज है यहाँ का और इस विलेज का नाम है सरबल। जहाँ से ये नदी आ रही है वहाँ पे ग्लेशियर है जो इस गांव को सर का काम करता है, और जहाँ पे ये पहाड़ बने हुए हैं, पहाड़ों पे ये गांव बना हुआ है, उसे बल कहते हैं, इसलिए इस गांव का नाम सरबल है। दोस्तों अब चलते हैं वापसी अपने टैक्सी स्टैंड पॉइंट पे, और नवादियों के नज़ारे तो ले ही रहे हैं, साथ में नदी चल रही है, बहुत सुकून वाला मन हो रखा है। और आपके लिए मैंने इस नदी का भी थोड़ा सा टाइम लैप्स लिया, तो देखिए आप भी। दोस्तों वापस आ चुके हैं हम ज़ीरो पॉइंट और अपने जो पॉइंट्स वगैरह होते हैं वो कवर करके सोनमर्ग के। अब यहाँ पे नीचे आ चुके हैं, वापस श्रीनगर की तरफ हम यहाँ से निकलेंगे। अब बेसिकली आपको देख रहे होंगे इस टाइम धूप हो रही है, सुबह जब आए थे तो बहुत ज़्यादा स्नोई क्या कहते हैं क्लाउडी सा माहौल था, ऊपर बारिश हो रही थी, और कश्मीर के मौसम का किसी को कुछ नहीं पता कि कब चेंज हो जाए, हर सेकेंड मौसम चेंज होता है। तो गाइज आप भी आके यहाँ पे इन सारे मौसमों का, इन वादियों का और इन पहाड़ों का, इन नदियों का और इस मौसम का आनंद ले सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँ ना,
जितने भी लोगों से मैंने रिव्यू लिया, गाड़ी वाले से रिव्यू लिया, हम वहाँ पे एक्टिविटी पॉइंट्स पे करने गए हुए थे, लेकिन यहाँ पे अगर आपको अच्छी नेचुरल ब्यूटीज देखनी है जहाँ पे फिल्म के शूट्स वगैरह होते हैं, तो आप यहाँ पे आके गाड़ी मत लीजिए, आप यहाँ पे आके घोड़ा लीजिए। घोड़ा आपको एक अलग पॉइंट पे लेके जाएगा, 2-3 पॉइंट्स कवर करवाएगा, लेकिन वहाँ पे व्यूज़ बहुत अल्टीमेट हैं और देखने लायक बहुत चीज़ें हैं। तो अब मिलते हैं आपको नीचे रास्ते में जाते हुए श्रीनगर के, और वहाँ पे भी कुछ अच्छे अच्छे व्यूज़ हैं, वो भी आपको दिखाएंगे, तो चलिए वहीं मिलते हैं। वैसे तो अभी हम निकल रहे थे, लेकिन मैं सोचा क्यों ना आपको जाने से पहले इस शानदार वैली के कुछ व्यूज़ दिखाए जाएँ। तो आप वैसे वैली अगर मैं देख रहे हो पूरा, कहाँ पे एकदम शानदार पहाड़ी पहाड़, वादियाँ ही वादियाँ, और ऊपर से पीछे ये नदी, साउंड इतना प्यारा आ रहा है, माइट भी आपको भी आ रहा होगा, आई एम नॉट श्योर, बट हाँ बहुत ऑसम व्यू है। जो चीज़ें हम देखते हैं ना, कैमरा वो चीज़ डिफाइन नहीं कर सकता। यहाँ पे व्यू इतना अल्टीमेट है ना, इतना ऑसम कि ये व्यू है ना कैमरा डिफाइन नहीं कर पाएगा। अगर मेरी आंखों से आज काश आप देख रहे होते तो आपकी आंखें मंत्रमुग्ध हो जाती, और देख के यहीं पे ऐसा मन करता है कि बैठ जाऊं, कई घंटों घंटों यहीं पे बैठा रहूं। तो देखिए आप कुछ शॉट्स। दोस्तों अब हम सोनमर्ग से वापस श्रीनगर की तरफ निकल चुके हैं, और ये साथ में चलती हुई सिंध नदी हमें अपने साथ लेके जा रही है, और इस नज़ारे को देखते हुए, इन वादियों को देखते हुए, इस मन में सिर्फ एक ही ख्याल आया जो कभी जहांगीर ने कश्मीर के बारे में कहा था, गर फिरदौस बर रुए जमी अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त, यानी कि अगर धरती पे कहीं स्वर्ग है तो सिर्फ यही है, यही है और यही। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का वीडियो? प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, बाइट ऑफ लाइफ विद अमन, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपना बहुत सारा प्यार दीजिएगा। तो मिलते हैं नई लोकेशन के साथ, एक नई वीडियो के साथ अगली बार। धन्यवाद।